हेलो फ्रेंड्स, ट्रैवल थ्री इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मुकेश कुमार। हेलो अंकिता भैया। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं दिल्ली खाटू श्याम मंदिर। ये नया खाटू श्याम मंदिर बना है और कहा जाता है ये विश्व का सबसे बड़ा खाटू श्याम मंदिर बनने जा रहा है। तो आज हम इसे एक्सप्लोर करेंगे और आपको बताएंगे ये क्यों बना और किसने बनाया और इसकी क्या महिमा है। तो चलिए चलते हैं खाटू श्याम मंदिर दिल्ली। दोस्तों, हम आ गए हैं दिल्ली के खाटू श्याम धाम और यहाँ पर पार्किंग इस तरीके से लग जाती है रोड के दोनों साइड पर। और अब हम आगे से अंदर की ओर चलते हैं। भाव बोलो श्याम बाबा की जय। बोलो खाटू श्याम दरबार की जय। दोस्तों, अब हम मंदिर में एंट्रेंस की तरफ चलते हैं और आगे से एंट्रेंस लेने के बाद अंदर मंदिर के लिए प्रवेश करते हैं। दोस्तों, यह मंदिर सुबह 7 बजे खुल जाता है और रात के करीबन 8 बजे तक ये खुला रहता है। पूरे दिन ये खुला रहता है, आप कभी भी आके दर्शन कर सकते हैं। इस तरीके से इसमें एंट्री हो जाती है और इस तरीके से लगभग सिंगल ये रास्ता बना रखा है। इसी तरीके से हमें अंदर भवन तक जाना होता है। यह मंदिर घनश्याम गुप्ता जावेरी जी ने अपने साथियों के साथ मिलकर बनवाया है और इसको आगे भी पूरी कमेटी बन चुकी है इसे आगे भी इसका विस्तार करने के लिए। श्री घनश्याम गुप्ता जावेरी जी को ना सपने में खाटू श्याम जी के दर्शन हुए और उन्होंने उन्हें आदेश मिला कि उन्हें दिल्ली में एक बड़ा धाम खाटू श्याम जी का बनाना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाते हुए अपने साथियों के साथ सीकर राजस्थान में खाटू श्याम मंदिर के दर्शन करने के बाद यहाँ पर भूमि की स्थापना की और यहाँ पर भूमि खरीदी और यह मंदिर की स्थापना करने का कार्य स्टार्ट कर दिया। और यह कहा जाता है ये विश्व का सबसे बड़ा खाटू श्याम मंदिर बनने जा रहा है। दोस्तों, इसी प्रकार हमें आगे ये यहाँ से भवन के लिए आगे चलना होता है और लेफ्ट में यहाँ प्रसाद की दुकानें शॉप्स वगैरह बनाई हुई हैं जहाँ पर आप प्रसाद वगैरह फूल जो चढ़ाने के लिए चाहिए दर्शन करने के लिए वो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। यह मंदिर करीबन 1 लाख वर्ग गज भूमि में बनाया जा रहा है और आने वाले ये अभी इनिशियल फेज में है और आने वाले समय में इसका काफ़ी बड़ा विस्तार भी किया जाएगा। इसमें एक धर्मशाला भी होगी, एक मेडिकल कैंपस भी बनाया जाएगा, एक पार्किंग का भी स्पेस होगा और इसमें खाने पीने की व्यवस्था के अलावा कुछ बच्चों के लिए झूले भी बनाए गए हैं और बहुत ही भव्य मंदिर इसे आगे चल के बनाया जाएगा। अभी फ़िलहाल ये थोड़ा सा इनिशियल स्टेज में है, फिर भी काफ़ी श्रद्धालु आते हैं, आपको दर्शन करने में ही करीबन 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे। दोस्तों, खाटू श्याम बाबा को हारे का सहारा भी माना जाता है। तो जो लोग परेशान हैं, आर्थिक स्थिति से परेशान हैं, तो लोग दूर दूर से यहाँ खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने आते हैं और कहा जाता है कि यहाँ आने के बाद उनके अंदर एक काफ़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं और एक चमत्कारी शक्ति भी महसूस होती है। काफ़ी लोगों का यहाँ आने के बाद दर्शन करने के बाद अपने कार्य में उन्नति होती है, तो इसलिए लोग यहाँ दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। भगवान श्री कृष्ण का वरदान था कि बारबरिक को कलयुग में उनके नाम से पूजा जाएगा, तो आज उन्हें बारबरिक की भक्ति बहुत ही जोरों शोरों से भगवान खाटू श्याम के नाम से हो रही है। तो यहाँ दर्शन करने के बाद बाहर यहाँ ईंटों के लोग इस तरीके से घर बनाते हैं जिससे कि उन्हें कार्य में उन्नति हो और अपना बड़ा घर बना सकें। तो इस तरीके से लोग यहाँ अब हम दर्शन करके आगे चल रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर 800 किलो का पहला दिल्ली का घंटा है जो अष्ट धातु का बनाया हुआ है। लोग यहाँ घंटा बजाते हैं यहाँ और अपनी मनोकामना के लिए यहाँ प्रार्थना भी करते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर ही साइड में दिल्ली 6 की स्टॉल्स लगी हुई हैं जो चांदनी चौक को दिल्ली 6 बोला जाता है। यहाँ पर खाने पीने की थोड़ी सी स्टॉल्स हैं जहाँ चाय कॉफ़ी वगैरह स्नैक्स वगैरह की यहाँ स्टॉल्स
यहाँ लगी हुई है, यहाँ आप नाश्ता भी कर सकते हैं। और लेफ्ट साइड पे यहाँ 70 रुपये में खाना मिलता है, और थाली सिस्टम है जहाँ आप 70 रुपये में खाना खा सकते हैं। और अब हम आगे दर्शन के लिए चलते हैं, तो सामने ही यह गोवर्धन पर्वत की पूरी जो है ना बहुत ही सुंदर सी आकृति बनाई हुई है, पूरा बहुत ही सुंदर दृश्य है गोवर्धन पर्वत का, पूरा दर्शाया हुआ है, ये बहुत ही सुंदर लगता है। और यहाँ पर इनकी अपनी गौशाला है जहाँ गायों का पालन पोषण होता है, और इनका ही ये दूध मक्खन यूज़ करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रसाद बनाने के लिए। और यहाँ नंदी जी की फ़ोटो है, यहाँ पर नंदी जी के कान में लोग बोल के अपनी मनोकामना यहाँ पर बताते हैं। चलिए दोस्तों, और बाकी ये जो खाटू श्याम की जो कहानी है ये हम अभी अंकिता से सुन लेते हैं कि आखिर खाटू श्याम बाबा को की पूजा क्यों होती है और यह मंदिर किस लिए स्थापित हुआ है। ये देख रहे हो आप लोग, हम दिल्ली वाले खाटू श्याम में हैं अभी तो फिलहाल, पर खाटू श्याम का मंदिर क्यों बना रहे हैं सब लोग, ये किसकी कहानी है, तो मैं आज आपको बता दूंगी। जो बारवरी थे, भीम के नाती थे, ये घटोत्कच के पुत्र थे, ये उनकी कहानी है। तो जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब बारवरी ने युद्ध में हिस्सा लेने का सोचा था, तो कृष्ण जी ने कहा अगर बारवरी युद्ध में हिस्सा लेंगे तो वो पक्ष उस पक्ष से लड़ते थे जो पक्ष हार रहा होता था, मतलब जिसे हारना है, वो हारे के सहारे बोले जाते हैं। तो कृष्ण जी ने उनकी परीक्षा ली थी, ये जगह है चुलकाना पानीपत के पास, वहाँ पर कृष्ण जी ने उनकी एक परीक्षा ली थी कि एक बाढ़ से अगर आप इस पीपल के पेड़ में छेद कर देते हो सारे पत्तों में तो मैं मानूंगा और युद्ध में जाने दूंगा। तो उन्होंने बारवरीक ने एक अपने उससे तीर चला के पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद कर दिए थे, वो जगह चुलकाना में है। तो उन्होंने उस जगह खुश होकर अपने शीश का दान दिया था कृष्ण जी को, कृष्ण जी ने उन्होंने अपना शीश मांगा था तो उस जगह दान दिया था। तो हम चुलकाना धाम में जो खाटू श्याम का मंदिर है ना, वो उनके धड़ की पूजा करते हैं, और श्री कृष्ण जी ने उनके शीश को उस समय एक नदी में वो कर दिया था उसकी पूजा करके, तो वो शीश चला गया था राजस्थान जिले, राजस्थान में सीकर जिले में वहाँ होती है शीश की पूजा। जो मेन खाटू श्याम मंदिर है शीश की जो पूजा होती है वो सीकर जिले में है, और ये जो दिल्ली में खाटू श्याम धाम बनाया गया है ये एक घनश्याम गुप्ता जी थे जावेरी जी, उनको स्वप्न में दर्शन दिया था खाटू श्याम ने कि एक बहुत बड़ा विशाल धाम बनाया जाए, हमारा बहुत बड़ा मंदिर हो, जो विश्व का विशाल मंदिर हो, सत्संग परिसर हो, काफी बड़ा बनाया जाए। तो उन गुप्ता जी ने अपने लोगों के साथ साथ के लोगों के साथ मिलकर ये बहुत बड़े मंदिर की परियोजना की है, अभी निर्माण कार्य चल भी रहा है काफी टाइम से, 9-10 महीने हो चुके हैं, और काफी विशाल है, बहुत टाइम लगता है इसको आप अगर पूरा घूमते हैं तो, और काफी सुंदर भी बनाने की कोशिश करी गई है, काफी अच्छा है ये, एक बार आपको हम वीडियो में पूरा दिखाते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, हम आपके लिए मस्त मस्त वीडियो बनाते रहेंगे। और आप यहाँ दिल्ली से NCR से हैं, आएँ दर्शन करें, खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद लें। यहाँ पर बच्चों के लिए खेलने के लिए भी यहाँ झूले बनाए गए हैं, और यहाँ खाने के लिए भी कचौड़ी और यहाँ ब्रेड पकौड़े वगैरह यहाँ मिल जाता है। और दोस्तों ये सब हमने यहाँ पर खाना पीना एंजॉय किया, और एंजॉय करने के बाद अब हम अपने यहाँ से एग्ज़िट की ओर चलते हैं। दोस्तों वीडियो पे लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, खाटू श्याम बाबा की कृपा सभी पर हो, सभी भक्तों पर हो, और आप जब भी यहाँ पर आएँ दर्शन करें और खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद लें।